गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल, क्लास फिफ्थ का ईवीएस का मैंने आज चैप्टर फाइव लिया है, सीड्स एंड सीड्स। इस चैप्टर में क्या है, इसमें सीड्स मींस बीज। आप बच्चों को पता है जब कोई भी प्लांट लगाया जाता है उससे पहले उसका बीज डाला जाता है, ठीक है, सीड्स जिसे हम कहेंगे। उन सीड्स में से ही जो है वो पौधा निकलता है। देखिए, घर में हमारे बहुत सारे दालें होती हैं, जैसे राजमा हो गई, चने हो गए, मूंग हो गए। इनमें अगर हम कुछ देर दिनों तक इनको अगर हम भिगो के रखेंगे अगर पानी में, तो एक या दो दिन के बाद उनके बीच में से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्प्राउटिंग। ठीक है, आपने घर में देखा होगा कि आपने मटर, आपके घर में मटर होते हैं, ठीक है, पीस मटर को हम छिलके रख देते हैं, उनको छिलकों में से निकाल के रख देते हैं, मटर के दाने बाहर निकाल के रखते हैं, कुछ दिन उनको हम यूज़ नहीं करते हैं मटर्स को, तो उनमें से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं स्प्राउटिंग। तो जो आपका है लेसन चैप्टर है सीड्स एंड सीड्स, इसका मैं बुक पेज नंबर आपके बुक में ये पेज नंबर 42 पे है, इसका क्वेश्चन हैं डिस्कस, ठीक है, तो मैं उनके आंसर बता रही हूँ आपको। चैप्टर का नाम है सीड्स एंड सीड्स, बुक पेज नंबर 42, इसके ये दो क्वेश्चंस हैं, मैं इनके आपको आंसर बताऊंगी। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई, कि आपके घर में क्या होता है, घर में आपके मम्मी वगैरह जो होती हैं घर पे कोई दाल बनाती हैं, ठीक है, कोई भी दाल बनाती हैं उसको पहले जो है वो भिगा के रखती हैं, ठीक है, क्यों भिगा के रखते हैं हम लोग पहले, अगर हमें सुबह हमने दाल बनानी है, ठीक है, तो शाम को ही हम उनको, रात को ही उनको हम भिगो के रख देते हैं पानी में और सुबह उठ के उनको बनाते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों करते हैं। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, आपके घर में जब खाना बनाने से पहले कौन सी चीज़ों को भिगो के रखा जाता है पानी के अंदर, पहले ही रखा जाता है, क्यों, आप बता, पहले आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी खाने वाली चीज़ों को पानी में भिगो के रखते हैं कुछ देर पहले। फॉलोइंग थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, ये जो चीज़ें हैं इन इन चीज़ों को खाने से पहले पानी में भिगा के रखते हैं एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, चने होते हैं जो ब्लैक चने होते हैं या वाइट चने होते हैं, इनको खाना बनाने से पहले, इनको चना बनाने से पहले इनको एक रात, सुबह अगर बनाना है तो रात को उनको भिगो के रखते हैं, चने को, मूंग की दाल को, सूखे मटर होते हैं उनको भिगो के रखते हैं, राजमा होती हैं, दालें होती हैं और चावल होते हैं, इनको बनाने से पहले थोड़ी देर पहले इनको भिगोया जाता है पानी में, टिप करके रखा जाता है, क्यों रखा जाता है इनको। दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, क्योंकि भिगाने के बाद जो ये चीज़ें होती हैं, ये दालें वगैरह जो होती हैं, ये सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। आपको पता है दालें हार्ड होती हैं, राजमा हो गई, मूंग हो गई, चने, ये हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, बनाने में बहुत टाइम लगता है इसको, और जब हम इनको पहले ही भिगा के रख देंगे तो ये नरम हो जाती हैं। दिस मेक्स इट ईजियर टू ग्राइंड, ठीक है, मतलब इसको ग्राइंड करने में, मतलब गलने में इनको आसानी लगती है, एंड कुक देम, जल्दी बन जाते हैं। दिस हेल्प्स इन सेविंग टाइम, इससे क्या होता है, टाइम भी बच जाता है। अगर कोई दाल है उसी टाइम अगर आपने चढ़ाई है, वो हार्ड होती है, उसी टाइम अगर आप चढ़ाएं उसको बनने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से ही भिगाई होगी पानी में तो वो नरम हो जाएगी और जल्दी बन जाएगी, टाइम की बचत होगी, और जो आपने गैस जलाई है या चूल्हे पर बना रहे हैं तो लकड़ी वगैरह जो है ये कम यूज़ होती है, जो फ्यूल होता है ये कम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। क्या है, फॉलोइंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, को हम खाने से पहले भिगा के रखते हैं, चने को, मूंग को, ड्राई सूखे मटर को, राजमा को, दालों को और चावल को, क्यों भिगा के रखते हैं उनको पहले हम। दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, भिगाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर जब जल्दी बन जाती हैं, जल्दी गल जाती हैं और जल्दी बन जाती हैं, और इससे हमारा टाइम भी बचत होता है और जो हमारा फ्यूल है, मतलब हमारी जो गैस वगैरह है, इसकी भी बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मींस दालें हैं उनको कुछ दिनों तक भिगा के रखते हैं, फिर उसके बीच में से सीड जो आपकी दालें होती हैं, सीड्स होती हैं, उनमें से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाता है। देखा होगा ना आपने, घर में मटर हैं या चने हैं या राजमा है, कुछ दिन अगर घर में पड़े हुए हैं तो उनके बीच में से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं स्प्राउटिंग। कि व्हाट थिंग्स डू यू ईट, कौन सी चीज़ों को खाया जब वो स्प्राउट होते हैं,
आर दे हाउ आर दे स्प्राउटेड, स्प्राउट कैसे होते हैं, स्प्राउटेड मीन्स सी जो दाले हैं चने हैं उनसे प्लांट्स का निकलना कैसे निकलते हैं, हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना टाइम निकलता है उनको निकलने में। आंसर है वी ईट चना मूंग एटसेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग दैम, ठीक है, चने को खाते हैं हम, मूंग को खाते हैं आफ्टर स्प्राउटिंग, उनमें से जब प्लांट्स निकलते हैं छोटे छोटे निकलते हैं उनको हम खाते हैं, ये हेल्दी होते हैं। टू स्प्राउट दैम फर्स्ट दीज आर सोक्ड इन वाटर, उनको स्प्राउट करने से पहले, उनको अगर उनको स्प्राउट करना है, अगर दालें जो हैं मूंग है चने हैं इनको स्प्राउटिंग मीन्स अगर उनके बीच में से प्लांट निकालना है तो उनको प्लांट निकालने से पहले उनको पानी में भिगा के रखना पड़ता है, सोक्ड मीन्स पानी में भिगा के रखना है, एंड देन रैप्ड इन ए वेट क्लोथ या गीले कपड़े में उनको लपेट के रखो दालों को, एंड हैंग अप और उनको लटका के रखो सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, ताकि उनको हवा भी मिल सके और पानी भी मिल सके। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 hours, चने होते हैं उनमें से प्लांट्स, उनमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने में 36 to 48 hours घंटे लग जाते हैं, और मूंग दाल को 24 to 36 hours लग जाते हैं, ठीक है। मीन्स स्प्राउटिंग मीन्स जो दालें आपने घर में देखा होगा ना, अभी भी आप कर सकते हो घर में, कोई भी दाल लीजिए, मूंग की लीजिए, चने की लीजिए या राजमा की लीजिए, उसको आप एक दो दिन पहले पानी में भिगा के रखो तो आप देखोगे उनके बीच से छोटे छोटे प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्प्राउटिंग। ये खाने के लिए सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ये हेल्दी होते हैं, तो इनको भिगाने इनको स्प्राउट करने से के लिए आप चाहे उनको पानी में भिगा के रखो या तो गीले कपड़े में बांध के रखो और उनको लटका के रखो, और कुछ दिनों के बाद देखोगे उनके बीच में से स्प्राउटिंग हुई होगी। जो चना है उसमें 36 to 48 hours लगते हैं, और जो मूंग दाल है उसको 24 to 36 hours लगते हैं, ठीक है। मैं इस आंसर को दोबारा पढ़ती हूँ, वी ईट चना मूंग एटसेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग देम, टू स्प्राउट देम फर्स्ट दीज आर सोक्ड इन वाटर एंड देन रैप्ड इन ए वेट क्लोथ एंड हैंग अप सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 hours इन स्पॉइलिंग, वाइल मूंग टेक 24 to 36 hours, ठीक है। इसका यहाँ है, यहाँ जो वर्ड है ये आपका है स्प्राउटिंग, ठीक है, स्पॉइलिंग नहीं है, यहाँ पे है स्प्राउटिंग, एस पी आर ओ यू टी आई एन जी, ठीक है, स्प्राउटिंग, वाइल मूंग जो है 24 to 36 hours लगते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन है जो वन और क्वेश्चन नंबर टू है अपनी ईवीएस की कॉपी पे लिख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 है, टॉपिक है आपका सीड्स एंड सीड्स, बुक पेज नंबर 42, उसको ध्यान से कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू।